गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना कल अपना तीसरा चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यह आपका कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था। इसके बाद में अपना थोड़े इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके रह गए थे। कहां तक लिखा देते क्वेश्चन? शायद द्वि निषेचन त्रिशलयन तक लिखा देते, लिखा देते ना क्वेश्चन इस चैप्टर के। वो क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं। देखो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट करो, परिभ्रूणकोश क्या है? परिभ्रूणकोश क्या है उदाहरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन तथा त्रिशलयन से, द्विनिषेचन तथा त्रिशलयन से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पार्कों में निषेचन की खोज, पार्कों में निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने व कब की? पार्कों में निषेचन की खोज कब व किसने की? विकास के आधार पर भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन है इसमें से आपका पूछा जाता है द्विनिषेचन त्रिशलयन और भ्रूणकोश, इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल का खाने योग्य भाग किस भ्रूणकोश का उदाहरण है? नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन से भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है? तो आपको लिखना है कोशिकीय भ्रूणकोश का, कोशिकीय भ्रूणकोश का। प्राथमिक भ्रूणकोश से, प्राथमिक भ्रूणकोश से कितने गुणित होता है? कितने गुणित होगा बेटे? त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है सत्य फल वह असत्य फल में, सत्य फल व असत्य फल में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है अनिषेध फलन है
आपका क्या तात्पर्य है? से आपका क्या तात्पर्य है? प्रेरित अभिषेक जन ने प्रेरित अभिषेक फलन प्रेरित अभिषेक फलन किसे कहते हैं? प्राप्त नलिका का बीजांड में प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है? समझाइए। तीन प्रकार से मैंने पढ़ाया था भैया, आपको लिखना है। अगला चैप्टर आधा के लिए चौथा चैप्टर है, पादप जनन की कुछ एक अपने विशिष्ट विधियां है जिसके अंदर है विशेष बीजता सूक्ष्म परिवर्तन कायिक परिवर्तन, ये सभी अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है आपका पादप जनन की विशिष्ट विधियां, पादप जगत की विशिष्ट विधियां, पादप जनन की विशिष्ट विधियां। देखो पादपों के अंदर सामान्य तौर के ऊपर जनन की विधियां अपन ने पढ़ ली है, कायिक जनन की विधि और कौन सी दूसरी लैंगिक जनन। कायिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां हैं वो पादपों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इन विधियों के अलावा और भी जो विधियां हैं जिनके द्वारा पादपों के अंदर आपका जनन की क्रिया है वो आपकी संपन्न होती है। विशिष्ट पादप जनन की विशिष्ट जनन है सॉरी जगत नहीं जनन पादप जनन की विशिष्ट विधियां। देखो इसमें पादपों में सामान्यतः जनने पादपों में सामान्यतः जनने कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। मेरा चेंज करके देखें, इनके अलावा कुछ एक विधियां ऐसी हैं जो बिना निषेचन के नए पादपों का विकास करती हैं, इनको अपने विशिष्ट विधियां कहते हैं। बिना निषेचन के नए पादपों का निर्माण कर देती हैं। देखो पादपों में जनन की ऐसी विधियां, मेरा चेंज करके लिखना है, पादपों में जनन की ऐसी विधियां जिनमें बिना निषेचन के ही नए पादपों का विकास होता है, तो ऐसी विधियों को जनन की विशिष्ट विधियां
करके लिखना। पादपों में जनन की विशेष विधियां निम्न है। पादपों में जनन की विशेष विधियां निम्न है। पहली है असंभिजनन, पहली विधि है असंभिजनन। दूसरी है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। और तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और चौथी है यह आपकी कायिक प्रवर्धन। देखिए कितनी विधियां हैं बेटे, जनन की चार विधियां हैं, असंभिजनन, जनन अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और आपका कायिक प्रवर्धन। असंभिजनन को अपने पहले ही पढ़ लिया, इसके अंदर नर और मादा युग्मकों के संलयन के बिना अर्थात बिना निषेचन के यदि भ्रूण परिवर्तन हो जाता है तो उसको अपने क्या कहा था, असंभिजनन कहा था। तो पहली है असंभिजनन, पहली पादप की इन दो विधियों के अलावा पहली जो विधि है वो है असंभिजनन। इसमें देख लो पहले भी आ गया है नर व मादा युग्मकों के, नर व मादा युग्मकों के संलयन के बिना, नर व मादा युग्मकों के संलयन के बिना अर्थात बिना निषेचन के, अर्थात बिना निषेचन के भ्रूण परिवर्तन को असंभिजनन कहते हैं। असंभिजनन कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना, यह निम्न दो प्रकार का होता है, निम्न दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है बीजाणोद्भिद, बीजाणोद्भिद। और सेकंड है युग्मकोद्भिद, युग्म कोद्भिद। बीजाणोद्भिद और युग्मकोद्भिद, पहला है बीजाणोद्भिद, बीजाणोद्भिद असंभिजनन है। और युग्मकोद्भिद असंभिजनन, पहला लिखा बीजाणोद्भिद असंभिजनन है। फर्स्ट है बीजाणोद्भिद असंभिजनन, इसे देखो मेरे अपस्तनिक भ्रूणता के नाम से भी जाना जाता है तथा इसमें द्विगुणित कोशिका से होता यह है और इसके दौरान अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन आपका नहीं होता है। इसमें बीजाणोद्भिद में जो अपने कल पीढ़ी एकांतरण के अंदर भी पढ़ लिया था भाई, इसमें अर्धसूत्री विभाजन है वो आपका नहीं होता है और नहीं आपका किसका होता है, निषेचन के नहीं होता है। देखो इसे अपस्तनिक भ्रूणता भी, इसे अपस्तनिक भ्रूणता
निपुणता भी कहते हैं, अवस्था निपुणता भी कहते हैं। इसी प्रकार के असंयोजनक में घूर्ण का निर्माण है। इस प्रकार के असंग जनन में घूर्ण का निर्माण बीजांडकाय या द्यावरण की किसी भी द्विगुणित अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, द्विगुणित कोशिका से होता है। निषेचन नहीं होता है, ये इंपोर्टेंट चीज है कि इसके दौरान नहीं तो आपका अर्धसूत्र विभाजन होता है और नहीं निषेचन की क्रिया होती है। सेकंड लिखो युग्म कोष भेद, युग्म कोष भेद के अंदर भ्रूण त्रिगोधन भ्रूण कोष की किसी अगुणित कोशिका से होता है, कोई अगुणित कोशिका होगी जिसके कारण से होता है युग्म कोष भेद असंयोजनन। प्रकार के असंग जनन में इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का प्रवर्धन अंडकोशिका से होता है।
अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसे अनिषेक जनन कहते हैं।
हैं अपने ऐसे उदाहरण के चार प्रकार। पहला आपका अनावर्ती असंग जनन, इसमें देखो जो इस असंग जनन में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा एक एवरेज भ्रूण कोष का निर्माण होता है और उससे भ्रूण कोष की एक एवरेज अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही यदि एवरेज बिना निषेचन के एवरेज भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे एवरेज अभिषेक जनन के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें इस प्रकार के असंग जनन में पहला अनावर्ती असंग जनन है, इसी प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूण कोष एक अगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है, अगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है। पहला चेंज करके लिखना अगुणित भ्रूण कोष का निर्माण होता है। भ्रूण कोष की अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण कोष की अगुणित अंड कोशिका से अंड कोशिका से बिना निषेचन के बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण भाई निषेचन होता तब होता द्विगुणित, तो अगुणित अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अगुणित अभिषेक जनन कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना इस प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम इस प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम जोर जेम्सन जॉन जेम्सन ने 1928 में किया था। जब भ्रूण का परिवर्तन है, जब भ्रूण का परिवर्तन है, भ्रूण कोष के अंड कोशिका के अलावा कोष की अंड कोशिका के अलावा कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है, जो ऊपर भी आ गया सारी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं।
एग्जांपल जैसे मक्का है, दतुरा है आदि। सेकेंड आपका पुनरावर्ती असंचरण है, पुनरावृत्ति असंचरण इसको है वो अपने कल के कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।